हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। देख सकते हैं कि जहाँ मैंने भी बिल्कुल काम ख़राब किया हुआ है। एक होल्डर अटैच करना था जो कि मैंने तोड़ दिया है। इसको मैंने दोबारा ठीक करना है, उसको जोड़ना है, क्योंकि मेरे बेड पे लाइट बहुत कम आती है, पढ़ते वक्त मुझे मसला होता था। इस वजह से मैंने इसको ठीक करना है और वही कोशिश कर रहा हूँ कि हो जाए। और बहुत ज़्यादा गंद डला हुआ है क्योंकि वायर्स बिखरी हैं और बुक्स वगैरह भी सब कुछ बहुत ख़राब हुआ पड़ा यहाँ पर। उसके बाद बहुत मेहनत के बाद मैंने इसको जोड़ लिया और मैं कामयाब हो गया अपने काम में। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कुछ डेकोरेशन करूं, जो कि मैंने ट्राई की और थोड़ी बहुत करने की कोशिश की। उसके बाद मेरे पास कुछ पेपर्स थे और उसके अलावा वाइटनर था, तो मैंने अपनी कलाकारी दिखाई और ये सिंबल्स वगैरह ड्रॉ किए, और फिर इनको मैंने पेस्ट भी करना था। और ये था सबसे बड़ा टास्क मेरे सामने, जो कि मुझे अपना बेड साफ़ करना था। ये मेरा बिस्तर है जहाँ मैं सोता हूँ और यहीं पर मोस्टली स्टडी भी करता हूँ। यहाँ पर लाइट की बहुत कमी थी तो मैं सोचा कि लाइट लगाते हैं, और लेकिन इसको साफ़ करना ही काम था। और यहाँ पर ली मैंने ऑनलाइन क्लासेस, जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और सर ने फाइनल्स के बारे में बताया, बहुत अच्छा था ऑनलाइन एक्सपीरियंस। हे गाइस, ये देखें, ये रहा मेरा बिस्तर जिसको मैंने अच्छे से साफ़ किया, बल्ब लगाया और अच्छे से इसको मैंने साफ़ कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर अब मैं बैठ चुका हूँ क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा शोर था, इस वजह से मुझे ऊपर आना पड़ा ब्लॉग करने के लिए। और अब मुझे जाना है बाहर दुकान पे क्योंकि वहाँ से लेकर आनी है मुझे माश की दाल, और बस क्योंकि मामा ने कहा है लानी पड़ेगी, तो इस वजह से अभी मैं जाऊँगा बाहर और सामान। और 40 हो गया।